सो फ्रेंड वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम ड्यूटी चार्ट्स और ड्यूटीज ऑफ ऑप्थल्मिक ऑफिसर और ऑप्टोमेट्रिस्ट एट गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्थल्मिक ऑफिसर और ऑप्टोमेट्रिस्ट की क्या ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी चार्ट होता है, आज के स्टूडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करवा लीजिए। चलिए तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम ऑप्थल्मिक ऑफिसर ड्यूटी चार्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट ड्यूटी चार्ट एट गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ड्यूटीज है, उनका क्या रोल्स होता है गवर्नमेंट ड्यूटीज में, आज के स्टूडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थल्मिक ऑफिसर की क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटी चार्ट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या रोल होता है। सो फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई डिजीजेस एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में पेशेंट का स्क्रीनिंग करना एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई डिसीज। सो कौन कौन से डिसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट प्राइमरी लेवल, कैटरैक्ट, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लॉकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, स्क्विंट, ट्रैकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी एंड यूवेआईटीज। ये सारे डिसीज हम इनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं एट अ प्राइमरी लेवल, ठीक है। देन ट्रीटमेंट, प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन एट प्राइमरी लेवल PSC ऑफ द फॉलोइंग कॉमन आई डिसीज में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकोमा, कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी ऑफ आईज, लीड्स एंड कंजंक्टिवा, ड्राई आई, आई लिड प्रॉब्लम लाइक ब्लेफ्राइटिस, स्टाई एंड कैलेजियन, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए डिफिशियंसी, लैक्रिमल सिस्टम डिसऑर्डर, सुपरफिशियल कॉर्नियल एब्रेजन है तो वहाँ पर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। देन यूजेज ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशन, कौन कौन से ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइड्रियाटिक्स, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स फॉर रिफ्रैक्शन, टॉपिकल एनास्थेटिक्स फॉर डायग्नोस्टिक्स, बेसिक एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी हिस्टामिनिक्स एंड एंटी एलर्जिक्स ड्रग्स भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। देन रिफ्रैक्शन करना एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेक्टेकल प्रोवाइड करना, देन डिस्पेंसिंग ऑफ स्पेक्टेकल, आइडेंटिफाई द इनिशिएट प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर द प्रोटोकॉल एंड रेफर टू ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इमीडिएटली इन द फॉलोइंग केसेस। अगर इनमें से कोई सीवियर केसेस अगर होती है, जैसे केमिकल बर्न है, परफोरेटिंग इंजुरी ऑफ आईबॉल और लीड है, कॉर्नियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट तुरंत ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना होता है, ठीक है। देन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थल्मिक ऑफिसर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं, जैसे कि इपाइलेशन फॉर आईलाइसिस इन ट्राइकेसिस कंडीशन में, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी रिमूवल कर सकते हैं, यूनुक्लिएशन ऑफ आई इन कॉर्निया डोनेशन आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद यूनुक्लिएशन भी कर सकते हैं, फॉलोअप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केसेस भी देखना होता है, ठीक है। देन रेफरल्स, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एट प्राइमरी लेवल फॉर ऑल प्राइमरी लेवल फंक्शनरीज एंड वॉलंटियर्स को हम हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन रखना, काउंसलिंग करना, स्क्रीनिंग कैंप्स अरेंज करना, स्कूल आई हेल्थ देखना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट जैसे ICDCS, सोशल जस्टिस, प्राइमरी हेल्थ, टेली ऑप्थोलॉजी कंसल्टेशन करना या एपिडेमिक्स अगर कोई होता है तो उसमें प्रॉपर से हेल्थ एजुकेशन और ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के ऊपर ओपीडी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट रिकॉर्ड करना, हिस्ट्री, प्रिलिमिनरी एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन करना, असेसमेंट ऑफ विजन कितना है वो असेसमेंट करना, रिफ्रैक्शन, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड रिफ्रैक्शन करना, जैसे कि डायलेटेशन ऑफ फॉर रिफ्रैक्शन, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्लासेस, टोनोमेट्री प्रोसीजर करना विद शॉर्ट्स एंड एप्लानेशन नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री से, इवेल्युएशन ऑफ लैक्रिमल डक्ट पैटेंसी, लैक्रिमल सैक्स सिरिंजिंग जो प्रोसीजर है वो करना, विजुअल फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, डिप्लोपिया एंड हेस चार्टिंग करना, बायनोकुलर विजन टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, लो विजन एड्स ट्रायल आफ्टर गेटिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, लो विजन एड्स ट्रायल भी दे सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स आफ्टर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, प्रोस्थेटिक आई इम्प्लांट फिटिंग कैसे करना है वो भी, कोऑर्डिनेशन विथ प्राइमरी लेवल में कोऑर्डिनेट करना, देन प्री ऑपरेटिव वर्कअप क्या करना चाहिए, क्या होता है ड्यूटीज में, सो ब्लड प्रेशर, चेकिंग ब्लड शुगर, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, बायोमेट्री, स्कैन एंड कैरेटोमेट्री करना,
ऑपरेशन थिएटर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, सो सुपरवाइजरी जो होती है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग करना, स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स उसमें सुपरवाइजरी करना, सेटअप सर्जिकल ट्रॉली एंड अदर इक्विपमेंट्स, देन अंडर सुपरविजन कौन कौन से काम करना पड़ते हैं या कौन कौन से ड्यूटीज होती है अंडर सुपरविजन, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनास्थीसिया अंडर सुपरविजन ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जन, ऑप्थेल्मिक सर्जन की अंडर सुपरविजन के अंडर लोकल एनास्थीसिया देना, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना, असिस्टिंग सर्जरी, ड्रेपिंग ऑफ पेशेंट्स, हैंडलिंग ओवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैंडलिंग सर्जिकल सप्लाईज। सो ये सब ड्यूटी चार्ट है दोस्तों, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मिक ऑफिसर्स एट गवर्नमेंट सेक्टर में। सो दोस्तों आज के स्टूडियो में हमने डिस्कस किया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर आपको ये ड्यूटी चार्ट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड करवा सकते हो। थैंक यू।